मेरी पूरी फैमिली है मेरे पास. अरे तू है मेरे पास. दिन में 3-4 बार वीडियो कॉल करती है, मुझ पर हक जमाती है, मुझे डांटती है, ताने देती है, मेरा फुल टाइम पास करती है. ये मोटिवेशन नहीं है क्या? और प्यार? परिवार, परिवार है यहाँ. वो कहाँ जा सकते हैं, उनकी तो मजबूरी है. बाय द वे तेरी भी मजबूरी है घंटों मुझसे वीडियो कॉल पे बात करके अपना टाइम वेस्ट करना. और जो ऐश चला गया ना उसको, वो आजाद है मुझसे भी और मेरी मनहूसियत से भी. लिसन लिसन लिसन, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ है ऐश. ये लिखा था नसीब में, यही लिखा था डेस्टिनी में. लेट्स एक्सेप्ट इट ना. अपने बेटे की बदनसीबी की वजह तुम हो. ये सब तुम्हारा किया धरा है मोइना. अतुल, अगर आज पश्मीना यहाँ होती ना तो वो राघव की ताकत बन गई होती. फिर उसे अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता था. वो अभी भी अच्छा ही है, इम्प्रूव हो जाएगा. एटलीस्ट वो सेफ है, हमारे साथ है. तुम उसकी मुस्कुराहट को देख के अपने मन को मना लेती हो ना. उसकी आंखों का सूनापन तुम्हें दिखाई नहीं देता ना. मोइना, पश्मीना राघव की जान है और पश्मीना के बिना एकदम एकदम बेजान सा फिरता है वो. तू बहुत याद करता है ना उसे, क्यों छुपाता है? यार तू मुझे पका रही है ऐश, प्लीज यार अब पकाना बंद करना प्लीज. आज खुशी का दिन है, डैड इज ओवर फॉर 1 ईयर. वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अब डैड ने शराब पीनी छोड़ दिया तो मैं शुरू कर दूं क्या? देखिए बोर होता है बहुत ये बैठे बैठे इस चेयर में ना, कुछ तो एंटरटेनमेंट हो जाएगा, क्या बोलती है? एक थप्पड़ खाएगा, बकवास करता है. अच्छा ये सब छोड़, रिवादी कैसी है? सुनील के साथ वो अभी भी? हाँ पर वो बदल गया. आई मीन ऐसा रीवा बोलती है. आई रीवा खुश है ना, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. बाकी हम लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए. प्यार सब कुछ ठीक कर देता है राघव, यही तो मैं तुझे समझाने. अरे बस कर अपना लेक्चर आयशा, यू आर नॉट अ टीचर. यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रही प्यार इश्क मोहब्बत के ऊपर. तूने PhD कर रखी है क्या इस पे? स्टॉप इट. बस एक बात तो सुन ले, एक तरफा प्यार तो फिर भी आगे बढ़ सकता है, खुद को समझा बुझा के. लेकिन जब दोनों तरफ मोहब्बत हो ना तो फिर वो प्यार कहीं नहीं जाता. तू कितनी भी कोशिश कर ले तो उसे नहीं भुला सकता. और मुझे यकीन है पश्मीना का भी यही हाल होगा. 1 साल हो गया ऐश, आगे बढ़ चुकी होगी वो. उम्र बीत जाती है राघव, समय थम जाता है. 1 साल एक उम्र सा लगने लगता है. मैं तंग आ गई हूँ 1 साल से यही सब बातें सुन सुन के. वही ताने, वही पश्मीना, मुझे नहीं सुनना. पर मैं तुम्हें हर रोज इस बात का एहसास दिलाता रहूंगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है. मेरी वजह से? मैंने किया? राघव ने खुद उसे जाने को कहा था. और वैसे भी उनका प्यार इतना ही सच्चा होता ना, भगवान चाहते कि वो साथ में रहते तो वो कभी अलग होते ही नहीं. भगवान को भी पता था कि इनका प्यार बहुत कमजोर है. कमजोर नहीं होता ना तो मेरे बेटे को इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती. इतना ही सच्चा होता ना इनका प्यार तो ये लोग अलग ही नहीं होते. पूरी कायनात मिलाती ना इनको. और इसी कायनात से ना मोइना मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ, हर रोज, कि वो इनकी प्यार की सच्चाई को समझे और दोबारा इनको मिला दे. और इस बार हमेशा हमेशा के लिए. हर रोज मोइना, हर रोज.
पारस भाई, तुम शादी के सपने देखना छोड़ दो, लड़की तुम्हें बस घुमा रही है। मैं तुम्हें वापस रिश्ता नहीं तोड़ने दूंगा पश्मीना। पारस, मुझे इस घर में तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती ये घर हड़पा है। शादी और तुमसे जो तुमने आज किया है ना, शादी तो क्या तुम दोस्त बनने के लायक भी नहीं हो। हेलो तहसीलदार जी। जी हाँ, मैंने अभी न्यूज देखी, सब लोग ठीक है ना वहां पर? किसी को गहरी चोट तो नहीं आई? पश्मीना ठीक है? मैं आपको दोबारा फोन करूंगा, मुझे अपडेट देते रहिएगा प्लीज। आई कॉल यू अगेन, प्लीज मेरा फोन उठाइएगा आप। ओके राघव, रीवा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूँ, हुआ क्या न्यूज में? राघव देख, व्हाट? आप 4 सेकंड से ज्यादा अपने पैरों पे खड़े हो गए और चलने भी लगे। मैं रियली अ सुपर हीरो। वन सेकंड। देखा कैसे राघव अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया, देखा? हाँ हाँ हाँ, राघव अपने पैरों पे खड़ा हो गया। माँ पर कैसे कैसे खड़ा हुआ मोइना? हाँ आप लोग भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? राघव को मोटिवेशन की जरूरत है और मैं जानता था वो मोटिवेशन उसे सिर्फ पश्मीना दे सकती है। पर देखो देखो, बच्ची कितनी बुरी मुसीबत में फंसी हुई है अभी, पर फिर भी अनजाने में क्या कर गई? ये जो कुछ हुआ है मोइना, ये पश्मीना की वजह से हुआ है। राघव अपने पैरों पे पश्मीना की वजह से खड़ा है। नहीं अतुल, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस और कुछ नहीं। तुम मानो या ना मानो मोइना, ये पश्मीना की वजह से ही हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। राघव, भगवान का शुक्र है कि वो खड़ा तो हो गया। मम्मा प्लीज पानी पियो। नानी जी, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आग का धुआं है ना, वो आपके लिए ठीक नहीं है। मैंने आप सबको घर ड्रॉप करने के लिए बाहर गाड़ी बुलाई हुई है, वो डल के पास खड़ी है। और पश्मीना और प्रीति मैम की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। जिंदा रहे पुत्र, रब तुझे खुश रखे। दामाद जी, गड्डी कौन सी है? येलो मस्टैंग। चलो बेबी पितो, ख्याल रखना अपना, आते हैं हम। हाउस बोट को थोड़ा रिपेयर तो आप लोगों को करना पड़ेगा, पर मोटर होल के रिपेयर के बाद में हाउस बोट ठीक हो जाएगा। थैंक यू। चलिए होटल चलते हैं। नहीं नहीं, हम कैसे? हम लोग मतलब आप लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं? तो ठीक है माँ, आप टेंट वाले को फोन कीजिए, सारे टेंट्स मंगवाइए, आज टंडन और सूरी यहाँ पे रहेंगे। हाँ हाँ, गार्डन में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। नहीं, गार्डन में कैसे? तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, चलिए ना। और प्रीति मां, मेरा वादा है आपसे, मैं पश्मीना को कभी भी डूबने नहीं दूंगा। ऐसा क्यों होता है मम्मा, जब सब कुछ सही होने लगता है तब ये सब? मत रो पोषा, हाउस बोट ठीक है। पर क्या टाइम पे एंट्री ली ना मैंने?
एकदम स्टाइल में, सबको बचा भी लिया एकदम, मैं हूं ना स्टाइल में। ऋषि, अगर तुम नहीं होते तो कैसे शुक्रिया करूं तुम्हारा? शुक्रिया अदा नहीं करना है प्रीति मॉम, ऋषि दिल का डॉक्टर है ये, तो फिर भी हाउसबोट है, कर देंगे ठीक। शंभू जी ने तुम्हें भेजा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि तुम यहां हमारे साथ हो ऋषि। थैंक यू। थैंक यू मत बोलिए, प्लीज चल लीजिए। चलिए। चलिए दादी। चलो चलो। मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था पश्मीना। How could I let you go? राघव, क्या है बच्चे? डैड प्लीज, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। हम कहीं नहीं जाने वाले राघव। और ये मातम वाली शक्ल बना के क्यों बैठा है? तुमने देखा नहीं क्या रीवा, पश्मीना की बोट में आग लग गई है, टूट गई होगी वो पूरी तरह। तो जाना, जाके मिल उसे। हाँ तो उसकी हाउसबोट ठीक करा, उसके साथ रहे, वो ठीक हो जाएगी। राघव पिछले एक साल से ना तू दिन में 4 सेकंड से ज्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा है, अब सडनली भागने लग गया। किसकी वजह से? पश्मीना की। पश्मीना जा चुकी है। राघव तू बिजनेसमैन बहुत अच्छा है बच्चे, लेकिन एक्टर नहीं। पिछले एक साल से तू अपने चेहरे पे मास्क लगा के घूम रहा है, जरा सा पश्मीना का जिक्र किया हुआ तेरा 2 सेकंड में मास्क उतर गया। सही कहा पापा आपने, कैसे भागे तुम राघव, जैसे किसी मैराथन की तैयारी कर रहे हो। और उस तहसीलदार को भी फोन किया, अगर उसकी फिक्र नहीं होती तो, एंड यू नो व्हाट, मुंहफट होने का एक तो फायदा है कि आप लोगों को मैं कड़वी सच्चाई आसानी से बता सकती हूं। मैं कह रही हूं ना राघव, जाओ उसके पास। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।